एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कुछ ऐसे स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसका मान अगर हम लोग यानी मैग्नीट्यूड को वेनिशिंगली स्मॉल लें तो वो वेक्टर के जैसा ट्रीट किया जाता है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस, डिस्टेंस के वेनिशिंगली स्मॉल पार्ट को अगर लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के जैसा बिहेव करता है। उसी तरह से एरिया के वेनिशिंगली स्मॉल पार्ट को अगर हम लोग लेते हैं तो वो वेक्टर ट्रीट किया जाता है, लेकिन कंडीशन के साथ, अर्थात उसमें कुछ शर्तें बंधी हुई हैं, उन शर्तों का पालन करते हुए ही वो वेक्टर क्वांटिटी के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के यानी छोटे जो प्रश्न हैं उसके कड़ी नंबर 6, लेक्चर नंबर 7, और इसमें से आ गया है गॉस थ्योरम। गॉस द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, जिसने एरिया को वेनिशिंगली स्मॉल एरिया ट्रीट करते हुए एक वेक्टर क्वांटिटी का रूप दिया और मास चार्ज अर्थात कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रहा था उसको कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम, एक प्रमेय या एक नियम को प्रपोज किया, जिसको हम लोग गॉसेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रश्नों की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसमें से सबसे पहला जरूरी है कि हाउ वी कैन ट्रीट एरिया एज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम फिर बोल रहे हैं कि भाई एरिया कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, उसका वेरी सिंगली स्मॉल पार्ट यानी अति अल्प हिस्सा जो होता है जो शर्तों में बंधा होता है, कंडीशंस के अंदर होगा, तभी उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ट्रीट कर सकते हैं यानी वेक्टर क्वांटिटी के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। देयर सीधा चलते हैं कि हाउ वी कैन ट्रीट एरिया एज वेक्टर। यहां एक बॉडी दिखाया गया है, एक तरह से एक सरफेस दिखाया गया है और इस सरफेस का हम लोग वेनिशिंगली स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, शर्त बोला गया है, क्योंकि जो पूरे एरिया वेक्टर का यहाँ कंसेप्ट है उसमें एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें से आपको एक बात मिलेगा कि हर जगह इस वेनिसिंगली एरिया को नॉर्मल ट्रीट किया गया है, आउटवर्ड ट्रीट किया गया है, सतह से बाहर की तरफ ट्रीट किया गया है। लेकिन यहां हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्मॉल एरिया ऑफ इंक्लोजिंग गिवन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर। यानी ये छोटा सा एरिया लेना है, जाहिर सी बात है जिस मटेरियल का एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे या जिस सतह का एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे वहां जो है वो मटेरियल को इंक्लोज करेगा। इस स्मॉलर जो स्मॉलेस्ट हम लोग एरिया को कंसिडर करते हैं उसकी एक शर्त है कि ये जब भी होगा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा, अर्थात डीएस इंटू एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और चूंकि यूनिट वेक्टर का मान ही वन होता है, इसके क्षेत्र में अगर कोई मैग्नीट्यूड पड़ रहा हो तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर के उसको वेक्टर में यानी वेक्टर फॉर्म दे देता है। तो कभी भी एरिया को वेक्टर ट्रीट नहीं करना है, या गॉसेस जो है वो एक प्रॉपर वे के तरीके से अरे एक तरीके से इसको वेक्टर ट्रीट किया गया है, और वो तरीका है एक वेनिशिंगली स्मॉल एरिया लेना है। ये जाहिर सी बात है एक वॉल्यूम को इंक्लोज करेगा और ये एरिया आउटवार्ड नॉर्मल की तरफ होता है, अरे आउटवार्ड बाहर की तरफ है, एन एंगल 90 डिग्री होगा। पॉइंट नंबर वन, विद आई कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। दूसरा नंबर है कि ये जो थ्योरम है वो एक लॉट ऑफ एजम्पशंस पर डिपेंड है, जैसे गॉसियन सरफेस या इसी को क्लोज सरफेस कहते हैं। ये जो है एक काल्पनिक बैग होता है, एक काल्पनिक क्लोज सरफेस होता है जिसका साइज कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, यही कदम बिल्कुल सुन रहे हैं, इसमें हम लोग पृथ्वी को भी समा सकते हैं, यहाँ तक कि इसको यूनिवर्स के को भी इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा गॉसियन थ्योरम जो गॉसियन बैग को प्रैक्टिकली तो लिया नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट के आधार पर इसको खींचा करते हैं, क्योंकि तो आगे हम लोग इसमें से चूंकि बड़े प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हैं तो उसके डिस्कशन के दौरान इसको लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको यह समझना है कि ये सिमेट्रिकल बैग होते हैं, सुनिश्चित आकार के होते हैं, जैसे स्फेरिकल हुआ,
जैसे सिलेंड्रिकल हुआ, जैसे पिन बॉक्स हुआ जिसको कि हम लोग क्लोज एंडेड सिलेंड्रिकल गॉसियन बैग कहते हैं, क्यूबिकल गॉसियन बैग होगा। तो यहां हम लोग जितना भी देख रहे हैं इसके डेफिनेट शेप होते हैं, यानी इसको अगर वर्टिकली डिवाइड किया जाए तो दो इक्वल हाल्फ में बढ़ जाएंगे, इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। अर्थात एन इमेजिनरी सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस, और ये क्लोज सरफेस ड्रॉन आइदर अराउंड द पॉइंट चार्ज और इवन अराउंड द मास चार्ज, अर्थात कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ खींचते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहां एक पॉइंट चार्ज क्यू को कंसिडर करते हैं, एंड इट इज गोइंग टू, ये क्या कर रहा है, चार्ज फील्ड बनाने जा रहा है। तो आपको अभी बोला गया कि गॉसियन सरफेस किसी भी साइज का हो सकता है, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को आधार बना करके, है ना, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस यानी स्फेरिकल क्लोज सरफेस का निर्माण करते हैं। अब यहां ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, कहीं भी डेरिवेशन में जो गॉसियन सरफेस है या एम्पिरियन लूप की बात भी आएगी आगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है, तो ये है एरिया वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोले, बाहर की तरफ दर्शाना है, आउटवर्ड होता है, नॉर्मल होता है, अर्थात ये एट एन एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसको देख करके कहीं आसेज होने की जरूरत, करने की जरूरत है नहीं। अब सीधे चलते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की तरफ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेलेक्ट किया गया है, एग्जाम में आने लायक है। पहला प्रश्न, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स एक्सप्रेशन एस आ यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसका एक्सप्रेशन देना है साई यूनिट, और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना है। ऐसा करते हैं, जरा सा हम लोग फ्लक्स वर्ड को समझते हैं कि ये फ्लक्स है क्या। तो सिंबल बात समझना है, फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लो। अब यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक मतलब हुआ चार्ज, फ्लक्स मतलब हुआ फ्लो। तो क्या चार्ज फ्लो करवाएंगे हम लोग, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। ये इलेक्ट्रोसाइट है, यहां चार्ज रेस्ट में होता है। गॉसियस थ्योरम का सबसे बड़ा ब्यूटी तो यही है कि ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ चार्ज का फ्लो नहीं, यहां होता क्या है, तो फ्लो क्या करता है भाई, ठीक है ये नहीं है फ्लो। तो जैसे हम लोग यहां बोले कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, तो जो हम लोग के अगल बगल के बॉडीज हैं उसमें से वन डायमेंशनल बॉडी होता है, टू डायमेंशनल बॉडी होता है, थ्री डायमेंशनल बॉडी होता है। कहने का मतलब हुआ कुछ ऐसे बॉडीज हैं जिसको हम लोग चार्ज करेंगे तो वो इसमें सिर्फ लंबाई मापी जा सकती है, जिसमें लंबाई गुना चौड़ाई दोनों मापा जा सकता है अर्थात एरिया, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात एल गुना बी गुना एच। तो ऐसे ही बॉडीज को जब चार्ज करेंगे तो तीन तरह के चार्ज डेंसिटी को हम लोग पाते हैं, नंबर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर दो सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर थ्री क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। जाहिर सी बात है अगर ये चार्ज हो सकता है तो इसके इर्द गिर्द का क्षेत्र जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां फॉर्म करेगा। मेरे दृष्टिकोण से जिसका गॉसियस थ्योरम सबसे लाजवाब इसकी तैयारी रहेगी वो कैपेसिटर को बहुत बेहतरीन ढंग से सुलझा सकता है, और यही गॉसियस थ्योरम के तर्ज पर आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किट रूल भी है, दोनों एक दूसरे से एकदम काफी मैच करता है। तो एक बात ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यहां हम लोग काम कर रहे थे, तो सीधी सी बात है कि मान लिया जाए कि एक सरफेस है, यस एक सरफेस है, और ये सरफेस को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक, यानी बात कर रहे हैं कि एक ऐसे सिंपल लेते हैं, एक सीट लिया गया और ये चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कई बार बताया जा चुका है कि यहां से फील्ड लाइन बाहर हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लो की बात किया जा रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है बल्कि इसके प्रभाव का फ्लो यानी इफेक्ट का फ्लो बताया जा रहा है, यानी इसके प्रभाव के जो है इफेक्ट के फ्लो की बात किया जा रहा है। और इफेक्ट का फ्लो कौन बताएगा, तुम लोग सीधा बोलेंगे दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस। तो ये फ्लक्स का मतलब होता है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इन्वॉल्व क्वांटिटी है वो है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज में। स्टार्टिंग के समय भी ये परपेंडिकुलर होता है सतह से और टर्मिनेटिंग के समय भी परपेंडिकुलर होता है। अब प्रश्न की तरफ हम लोग वापस आते हैं, क्या है तो प्रश्न के तरफ जाने के पहले जरा सा देख लेते हैं एक बार फिर प्रश्न। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स एक्सप्रेशन, एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए इसमें से क्या है कि कुछ भ्रांतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या इतना टाइट हिंदी क्यों बोल दिए है ना, चलिए देखिए क्या बात किया जा रहा है, इसको पहले समझिए। क्या है कि जिसमें से बहुत सारे बुक्स में से ऐसे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज क्या जाए क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन भाई एनसीईआरटी इस पर ऑब्जेक्ट करता है, जरा सा बुक पलट के देखेंगे तो सीधा बोला गया है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। अगर मान लिया जाए कि एक क्षेत्र में हम लोग 10 लाइन को खींचते हैं, 10 फील्ड लाइन को ऐसे दर्शाते हैं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर ऐसे 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10 एक आदमी इधर से आया और एक तो यहाँ और बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया है ना, तब तो मेरा जो एजम्पशन हम लोग का है वो बेकार गया। इसीलिए वे थोड़ा सा एनसीईआरटी के अनुसार ये जो है डेफिनेशन ऑब्जेक्शन के अंदर है, तो फिर हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, वेरी इजी। देखिए मैथमेटिकल जाएंगे, नंबर नहीं माइनस होगा, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। चलिए देखिए ये सबको पता है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन अंडर क्लोज सरफेस। अब अगर यदि आप ऐसे यहां लिखते हैं ds या ऐसे लिखा जाता है dl या dr, तो ये पढ़ा जाएगा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ये पढ़ा जाता है जो हम लोग को पोटेंशियल में काम देगा लाइन इंटीग्रल। मैंने माने तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट डेफिनेशन दीजिए और सीधा निकलिए, क्या है बस के वो ध्यान रखना है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल और इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल। यहां बात जो भी है अंडर गॉसियन बैग है, इसीलिए इसको हल करना अति सरल है। देखिए कैसे, यहां देखिए क्या किया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर दैट सरफेस। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें फील्ड लाइन हम लोग दिखाए इस तरह से। अब आप क्या कीजिए कि इसमें से एरिया वेक्टर आपको लेना पड़ेगा, वैनिशिंगली स्मॉल एरिया लीजिए और इसी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा जी, तो आपको यहां मिल जाएगा फाइ। यस, ये सबसे टू द पॉइंट और नंबर नहीं माइनस होने का एक सुदृढ़ तरीका है। इसमें से हम लोग क्या बोले, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मेन बात क्या है द सरफेस, आने यहां बात है देखिए इसको ध्यान में रखिए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर दैट सरफेस, ये ओवर जो है क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो सरफेस इंटीग्रल कर देंगे इंटीग्रेशन। और वैसे भी इंटीग्रेशन से बचा नहीं जा सकता है, पक्का नहीं बचा जा सकता है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इज द मेयर लैंग्वेज है ये, है ना, आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं, साइंस वाले भी पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, तो इट्स अ लैंग्वेज। तो यहां हम लोग लैंग्वेज से भरपूर फायदा उठाने वाले हैं और भरपूर फायदा इस सेंस में उठा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग आराम से कह सकते हैं कि टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, एक सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये सरफेस कहां होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। इसमें से एक सरफेस कंसीडर करना है और इस सरफेस का हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रल पार्ट निकाल लेंगे और यही हो जाएगा फाई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
फाई कहते हैं। अब यहां एक बात और भी ध्यान देना है, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, जो आगे हम लोग क्लियर करेंगे मैथमेटिकली। अगर मान लिया जाए कि आपने लिखने में अक्षम है, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, देन जस्ट गो विद द मैथमेटिक्स। क्या लिख सकते हैं इसे मैथमेटिकली? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई डॉट डी एस एट डी एस डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ सीधा हम लोग कॉस थीटा ले सकते हैं, है ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, अर्थात यहां हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये रहा। तो ए के जगह पर यहां ई है और बी के जगह पर डी एस है, तो ये ई डी एस कॉस थीटा हो गया। अब एक बात का ध्यान देना है, ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी 100%। कोई भी सबसे कंफर्म इंफॉर्मेशन है, दो फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डॉट प्रोडक्ट्स सर्टेनली स्केलर क्वांटिटीज, अर्थात जो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो डॉट प्रोडक्ट हैं 110% वो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। अब रहा इसका SI मात्रक, तो यहां से आप निकालिए, देखिए EDS cos theta अभी हटाते हैं, E का मतलब यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ देखिए ये वाला हो जाएगा F by Q, और ये है एरिया cos theta, ये रेशियो हो गया एंगल का, तो इसका तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कूलम। इसका मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से क्या होता है कि न्यूटन गुना मीटर, ऐसे न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या हुआ जी, फोर्स हुआ ना, एम एल टू टी माइनस टू, अब मीटर स्क्वायर है मतलब यहां एल स्क्वायर है, तो एक एल अगर इसमें से गुना कर देते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां एल बच गया, ये एल बच गया। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल बचा इसको बोल सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में है, तो एनर्जी के फॉर्म में है तो एनर्जी का SI मात्रक जूल होता है, बगल में भी बचा क्या मीटर, और देखिए नीचे बचा क्या कूलम, बचेगा चार्ज, है ना, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आने हम बात कर रहे हैं ये वाला, देखिए चार्ज का क्या होता है 80, तो ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा इसका लिखा जाए, पहला तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जूल मीटर, है ना, जूल मीटर पर कूलम, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। यहां क्या है, वाई इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला पर ई एस, और फाई क्योंकि कॉस थीटा का डायमेंशन होगा रही, बी बाय एच लेंथ बाय लेंथ डायमेंशन लेस। अब आते हैं एफ बाय क्यू, देखिए अभी तुरंत बोले E बराबर क्या होता है एफ बाय क्यू, ये देखे तो एफ बाय क्यू हो गया, ये एस हो गया, एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, एक क्यू का हो गया ए टी, एरिया का हो गया एल स्क्वायर। अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर, और इस पर पावर वन है, इस पर भी पावर वन है, रेज करेंगे माइनस टू है, ये माइनस थ्री हो जाएगा, और ए पर पावर माइनस वन। तो इसको ऐसे आंसर किया जा सकता है, लंबा जोड़ो करने से या कंफ्यूजिबल जो टू द पॉइंट आंसर देने से बेहतर होगा। उम्मीद है आंसर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है, तो इसको आप सही ढंग से लिखिए, पूरा नंबर उठाइए। आगे बढ़ते सेट गॉसेस थ्योरम और लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात कंफ्यूजन मत रहिएगा, देखिए गॉसेस ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, गॉस का ऐसे भी लिखा जा सकता है, गॉसेस नेम है, वैसे अंग्रेजी के लेटर्स में हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी के नियम में सिंगुलर और प्लूरल में वे डबल एस रहे तो उसमें पोस्ट ऑफिस नहीं लगता है, लेकिन ये नाउन है, नाम है, अग्रणी नाम है, नाम क्या बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें से पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए कोई दुविधा का जगह नहीं है। अब आगे आते हैं, क्या है सेट गॉसेस थ्योरम और लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई ये तो अपना बना के रखे हुए ना, कि देखो ये चार्ज है ठीक, या मान लीजिए लाइन चार्ज हुआ, लाइन चार्ज हुआ मतलब जैसे तार हुआ, तो उसके चारों तरफ का जो गॉसियन बनेगा सर्टेनली
सिलिंड्रिकल होगा। तो ये बोला कि भाई ये रहा, देखिए ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस, पूरा काम करना है, बहुत बड़ा सतह होता है, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, ये रहा 90 डिग्री। क्या बोला गया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। भाई साहब ये जो क्लोज सरफेस है दरअसल ये गॉसियन बैग है, हाँ, ये अपनी बैग का बात कर रहा है, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में ना टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जो चार्ज कहाँ है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैकम, वैकम मतलब निर्वात, निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं हो, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। जैसे यहां बोल रहा है ना कि जी फाय है ना, तो जो क्लोज सरफेस के अंदर, एक बात समझ जाइएगा, इसका सारांश बोल दे रहे हैं भाई, मार्केट आप जाते हैं, पक्का बात है ना। अब अगर मार्केट आप जाते हैं, मार्केटिंग करने के लिए गए, बहुत लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन आप अगर मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपना पॉकेट का वजन देख के ही ना मार्केटिंग किया जाएगा कि पड़ोस में जो खड़ा है उसके पॉकेट के वजन से कर सकते हैं, नहीं ना होगा। वो जो करता है वो महारत हासिल करता है ना, हाथ की सफाई में वही कर सकता है ना, दूसरा नहीं कर सकता। तो यहाँ सीधा समझना है कि पैकेट के अंदर अगर आपका रहेगा चार्ज, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेस, यू कैन नॉट। तो यही बोला कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी गॉसियन बैग के अंदर जो कि फ्री स्पेस में है, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स का मान जो होगा 1/ε0। और ये देखना है कि इसमें नेट चार्ज कितना बंद है, अर्थात चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैथमेटिकली सॉर्ट किया हुआ है, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फाई इज इक्वल टू क्यू बेस इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। अब एक बात अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, तो यहां हम लोग फाई की जगह बैठा सकते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, ये लिखा जा सकता है। तो ये रहा, अब यहां जो डायग्राम बनाए हुए हैं तो इसके अनुसार फ्लक्स का क्या मान होगा, है जी अंदर में है तो फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड प्लस क्यू है तो प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट निकल गया। अगर मान लिया जाए कि यहां आपको कुछ हाथ नहीं लग रहा है, ठीक, खाली है, खाली है तो यहां भी खाली होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, यानी यहां जो है क्यू इनक्लोज का मान अंदर में चार्ज है ही नहीं, बटा में जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, तो फाई बराबर यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल बात समझना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की बात कही गई। अगर ये सतह जो हम लोग यहां रखे थे एक मीडियम में होगा तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। यहां एप्सिलॉन बेस नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है। इफ दैट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम द इक्वेशन विल चेंज, यस, यहां क्या हो जाएगा, यही अगर मीडियम में हम लोग जाएंगे तो फाइव बराबर 1/ε0 r, और ये रहा क्यू इनक्लोज्ड, ठीक, यानी कितना इनक्लोज चार्ज हुआ ये दिखाना है। लेकिन यहां सिंपल आपका प्रश्न है, सीधा बोला गया स्टेट गॉसियन थ्योरम और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, जिसमें हम लोग सीधे बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। यानी जो फ्लक्स, एक जो फ्लक्स टोटल अमाउंट ऑफ जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज का जो इफेक्ट का कंटिन्यूअस फ्लो है उसकी मात्रा फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट है। सीधी सी बात है, चार्ज है फ्लक्स मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपका प्रॉपर आंसर, इसको हम क्लीन कर देते हैं ताकि लिखने में आराम हो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अ सरफेस इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक सरफेस है, कौन सरफेस है भाई,
तो जाहिर सी बात है गॉस का है, गॉसियन सरफेस जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किए हुए है, इनक्लोज किए हुए है, बंद रखे हुए है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से कितना जुड़ा हुआ रहेगा? अच्छा एक बात समझिए, क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, चलिए माइनस क्यू बोले थे हाईलाइट करना है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट में से डायपोल पर कमांड करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल बैग खींच देंगे, क्योंकि अभी बोले कि चार टाइप्स का बैग का हम लोग फिलहाल उपयोग करते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब जो है एक, हालांकि यहाँ तीन सतह है तो तीन एरिया वेक्टर दिखाया जाता है, जैसे ये हो गया ds, यहाँ भी दिखा सकते हैं हम लोग ds बाहर की तरफ, और यहाँ भी दिखा सकते हैं ds। तीन सरफेस है, तीन रीजन है ना, ये रहा सब जगह आउटवर्ड नॉर्मल है, ये देखिए सिलिंड्रिकल है ना, इधर वाला सतह होगा, इधर वाला सतह होगा, इधर वाला सतह होगा, तीन रीजन है। लेकिन मामला क्या हो रहा है कि नेट चार्ज का मान क्यू जो इनक्लोज किए हुए है, क्यू इनक्लोज का मान गड़बड़ हो जा रहा है ना। कैसे, देखिए इधर हो गया माइनस चार्ज प्लस चार्ज, टोटल चार्ज का मान कितना हो जा रहा है, जीरो। सरफेस इनक्लोज इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या कह सकते हैं हम लोग, तो सीधे बोलेंगे कि भाई देखो इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, That is Q plus Q and minus Q, जिसको positive pole और negative pole कहते हैं, therefore total charge encloses by closed surface, तो क्या हो जाएगा plus Q minus Q, आप दोनों जुड़ करके कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मामला क्या है कि भाई चार्ज है, पॉकेट में पैसा है, मार्केटिंग होगा नहीं है, तो पॉकेट मार ही कर सकता है, मार्केटिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो यहां सीधी बात समझना है कि फ्रॉम गॉसियस लॉ फाई बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, अब यहां मामला क्या हो रहा है, चौपट हो जा रहा है, तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। ये था अगला प्रश्न का आंसर, चले इसको भी हम करते हैं क्लीन ताकि आप नोट्स इसको बढ़िया से बना सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। A balloon of radius 10 cm has inward flux of -1.0 × 10⁻³ N/m² जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, है ना यूनिट। What will be flux if the radius of the balloon is doubled? एक बात ध्यान रखना है, देखिए क्या होता है कि अगर आप गॉसियस थ्योरम में हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये गॉसियन बैग है, अगर मान लिया जाए यहां प्लस चार्ज अंदर में है तो फाई का मान यहां प्लस में दिखाई पड़ेगा आपको, एप्सिलॉन बेस नॉट। लेकिन अगर ये बैग आपका, बैग के अंदर माइनस चार्ज है, तो यहां जो है फाई का मतलब हुआ माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। ये जो प्लस चार्ज है ना, ये बता रहा है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये ध्यान रखना है, ये आउटवर्ड होगा नंबर एक। नंबर दो, ये जो होगा माइनस साइन जो यहां दिया हुआ है, माइनस जो बता रहा है हम लोगों को, है ना, तो माइनस साइन जो होता है ये बोलता है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी फ्लक्स जो है वो डायरेक्टेड होता है किधर, इनवर्ड की तरफ, इनवर्ड। अब ये क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, रेडियली आउटवर्ड बताया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, पिछले वीडियो में देखिए तो बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड होता है, ये रहा, है ना। अब मामला यहां कुछ और है, ये तो आपका रिपीट हो गया पीछे से, लेकिन अब प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न में क्या कहा गया उसको देखते हैं। एक बैलून है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हैज इनवर्ड फ्लक्स ऑफ -1.0 × 10³। ये जो है फ्लक्स बता रहा है, है ना, कह रहा है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ बैलून इज डबल। भाई देखिए सिंपल सा बात है, बाकी आंसर हम कर दिए हैं, लेकिन फाई का मतलब हुआ क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट।
कोई मतलब नहीं है साइज से, साइज से इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंदर में है ना। मान लिया जाए दो आदमी के मार्केट, आप लंबे चौड़े हैं, आपके पास मान लिया जाए 500 रुपये हैं, और एक बगल वाले में जो है आपसे आधा हाइट का है और उसके पास 2000 रुपये है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग का पावर उसी के पास ज्यादा है, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक, उसी तरह से यहां क्या होता है, समझिए कि दो बैग लिए, एक बड़ा वाला बैग ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें से मान लिया जाए कि ये इस जगह पर 3+3Q है और इस पर 5Q है, +5Q। अब क्या है, +5Q अगर दिखा रहे हैं तो यहां जो है ये, अगर ये है ये बी है, तो यहां समझिए 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड, इसका मतलब हुआ कि 5 a बड़ा होगा किससे, क्योंकि यहां जब निकालेंगे तो ये देखिए 5Q बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, और इसका हो जाएगा 5 b, मतलब हो गया +3Q बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। अब तो यहां से पूरा पता चल रहा है भाई कि क्या हो जाएगा, 5 a इज ग्रेटर देन 5 b। एक बात और, लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि प्लस चार्ज है, और अगर अगर मान लिया जाए कि यहां जो है माइनस चार्ज मान लिया जाए, दे दिया इस जगह पर है, तो कंफ्यूज होने कोई जरूरत नहीं है। प्लस माइनस का मतलब यहां नहीं है, यहां अमाउंट ऑफ चार्ज से मतलब है, जस्ट वाज द मैग्नीट्यूड। अब भी ये आंसर यही करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पॉलिटी बताता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का नेचर बता रहा है, अमाउंट का नहीं। ठीक, तो ये साइज से इंडिपेंडेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी भी स्टिल द आंसर विल बी द सेम, यानी इट विल रिमेन बी सेम, बराबर होगा, है ना। इट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, फाइव है क्या कि देखिए ये इतना ही है जितना चार्ज के लिए था, उतना ही है, वो चार्ज बढ़ा ही नहीं रहा है, क्या बढ़ा रहा है, रेडियस बढ़ा रहा है, और रेडियस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यहां देखिए ना, छोटा बड़ा है ना, ये कान काट रहा है, छोटा वाला बढ़ेगा। तो यहां ध्यान रखना है कि ये साइज पर निर्भर नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट साइज, कोई लेना देना ही नहीं है साइज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, बड़ा दिन से इस पर धूल गर्दा पड़ा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा साफ सुथरा करने के चक्कर में लाए हुए हैं। देखिए एक बार दो बार आ गया है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस एंटरिंग इट इन 10,000 एंड लीविंग 2,000। वाह क्या बात है। देखिए यहां क्या है, बोला जा रहा है कि भाई एक सतह है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस तो रहा है 10,000, ठीक, और निकल रहा है कितना, 20,000, है ना। ये 10,000 जा रहा और ये 20,000 जा रहा है ना, 20,000, इसका मतलब अंदर में निश्चित रूप से प्लस चार्ज है पक्का, क्योंकि आया 10,000 जा रहा है 20,000, इंटरिंग 10,000 आउटगोइंग 20,000, पॉजिटिव चार्ज का पक्का यहां जो है सिम्टम्स दिखा रहा है। तो इसमें नेट लिविंग सरफेस जो है, नेट फ्लक्स लिविंग का है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है, जो इफेक्ट जो हम लोग दर्शाते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन, तो 20,000 में से 10,000 गया, 10,000 बचा, 10,000 को लिख सकते हैं 10^10,000 कैन बी रिटन एज 10^4, लिख दिए। चलिए फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फाइव इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एब्सोल्यूट बेस, हम लोग को पूछा है क्यू इनक्लोज, इसको इधर ले आए गुना हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, क्यू इनक्लोज बराबर अप एप्सिलॉन बेस नोट का मान क्या होता है भाई साहब, 8.854 × 10^-12 है, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये मान यहां बैठाइए, यहां 10^4 यूनिट के चक्कर में मत पड़िएगा, कूलम में निकलने वाला है तो उसका यूनिट बैठाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, वैसे निकाल रहा है तो आप निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 / r² ε0 का मतलब क्या हुआ, Q1 Q2 / 4π, और इधर हो गया f r² ये यूनिटलेस है। ठीक, अब ये होगा कूलम गुना कूलम,
तो कूलम स्क्वायर हो गया और ये हो गया न्यूटन और फिर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक। न्यूटन 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 स्क्वायर नहीं न्यूटन, ये जो है न्यूटन है, यहां से लिए ये देखिए। अब आता है प्रॉब्लम, तो यहां मान बैठा दिए 10^4 आज ये देखिए -12 में से चला गया यानी -12 -4 = -8 कूलम आ गया आंसर, दैट्स द राइट आंसर। ये एक बार क्वेश्चन दो बार आ चुका है, नजर रखना है। चलिए इसको हम देते हैं एकदम फ्रेस कर देते हैं, हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इफ चार्ज क्यू कूलम इज मूव्ड आउट ऑफ गॉसियन सरफेस देन कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। न्यूमेरिकल है, पहला भी न्यूमेरिकल था। क्या है बोला जा रहा है कि अगर चार्ज क्यू कूलम को बाहर निकाल दिया गया गॉसियन सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कितना होगा। अच्छा चलिए इसमें मान लेते हैं कि एक बैग है, इसमें से चार्ज जो है क्यू है, बाहर निकाल लिया गया कितना क्यू, अब बचा ये आउट कर दिया गया, अब बचा कितना तो फाइनल यहां लाते हैं, अब बच गया क्यू माइनस क्यू हो गया ठीक। अब इसी पर बन जाएगा आसानी से, यहां जो है इसको उसी पर बैठाना है, क्यू इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस, 5s1 बराबर इनिशियल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सरफेस, और 5n पहले चार्ज कितना था ये देखिए इनिशियल स्टेज हो गया आरंभिक अवस्था है ना, ये हो गया फाइनल स्टेज। तो 5n यहां करना है और 5n यहां करना है, 5n में आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट क्योंकि बैग के अंदर उतना ही है। Now remaining amount of charge enclosed by the closed surface when Q amount of charge is moved out, जब Q amount बाहर निकाल दिए out हो गया तो बचा कितना Q minus Q, तो यहां ले लिए Q minus Q हो गया। अब phi 2 का मान देखिए कितना आ गया small Q minus capital Q, now change in magnetic flux तो phi 1 minus phi 2 हो जाएगा तो घटा देंगे तो ये रहा देखिए आपका कितना आ गया, ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा दुरुस्त ढंग से बनाना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसकी सफाई हम पहले कर देते हैं। चलिए ये रहा, आप इसको आराम से नोट में शामिल कर सकते हैं प्रश्न के साथ। अच्छा प्रश्न तो आप देख ही चुके हैं, चलिए नेक्स्ट वन। यहां एक बात ध्यान रखना है ना, कुछ क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल या अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। हम यहां क्या करना चाह रहे हैं इसको आप समझिए ठीक, एकदम समझिए। सीधी सी बात है, एक सेल है ले लिए ठीक, अब इसमें से चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चलिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये ध्यान रखिएगा यहां बटा हुआ है, दिस इज द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तीन स्थानों पर निकाला जा सकता है, जैसे ही मान लिया जाए कि इसका रेडियस जो है ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू ये रहा रेडियस कितना है जी आर है ना। अब इसका बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर इन द सेंस कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि यहां गॉसियन बैग का एक पॉइंट कंसीडर किए तो ऐसे आप ले सकते हैं, ये देखिए आर हो गया है ना, ये कैपिटल आर है। अब आउटसाइड जब जाएंगे आप तब इसका कंडीशन जो है वो हो जाएगा आर इज ग्रेटर देन आर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपका निकलेगा है ना, और ये मान निकलेगा 1/4πε0 और q अपॉन r स्क्वायर, यदि ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से स्मॉल q है तब, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पर अगर चला जाएगा ऑन द सरफेस, तो सरफेस पर ध्यान रखना है
क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r। अब यहां जैसे आप इसको r कीजिएगा तो ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा जी, तो सरफेस पर हो जाएगा 1/4 πε0। ठीक, और ये रहा q बाय कैपिटल r स्क्वायर, यहां निकलेगा आपका। एक बात और, ये हम लोग चार्ज डेंसिटी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ई सरफेस, ई बेस सरफेस इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, देखिए q बाय 4πr² इंटू क्यू, यहां जो है 1/εbε0। ये देखिए, ये हो गया चार्ज और ये हो गया एरिया। तो यहां ई बेस सरफेस का मतलब ये हो जाता है चार्ज बाय एरिया बराबर सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया बाय एप्साइलन बेस नोट, आ गया। इस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अंदर में हम लोग ले लेते हैं यानी बैग को, अगर आप अंदर कंसीडर करते हैं, यहां कंसीडर कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो है इस पोर्शन में, यहां भी आप बोले ये बात ध्यान रखिएगा जब आप डेरिवेशन कर रहे हैं, एरिया वेक्टर यहां हो गया है ना, सरफेस पर जाएंगे तो एरिया वेक्टर यहां हो गया, लेकिन यहां मामला तब टेढ़ा हो जाता है जब हम लोग अंदर आते हैं, अंदर माने यहां, तो क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड का बात कर रहे हैं, इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल करेंगे तो आर इज लेस देन कैपिटल आर। देखिए कैसे शर्त बदला है, हाँ? तो यहां क्या होगा भाई साहब, चार्ज जो है बाहर ही रह गया, पॉकेट में कुछ नहीं बचा, पॉकेट में नहीं कुछ बचा, नो मार्केटिंग। इसका मतलब हुआ कि फाइ बराबर यानी यहां जीरो हो रहा है, मतलब इस जगह पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई इनसाइड, ये मान जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है ना। तीन हो गया, यानी ये प्रश्न बार बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि सेल के इनसाइड कितने कितना मान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये रहा कुछ प्रश्न, ठीक। अब इसके बहुत सारे प्रश्न जो हैं जुड़ेंगे किसे, कैपेसिटर से। एक बात सही है कि इसके बगैर कैपेसिटर को समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, तो कैपेसिटर अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो इसका डिटेल स्टडी भी करवाया दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे बेहतरीन और लाजवाब पोर्शन गॉसेस थ्योरम है, क्योंकि जो कंपेरेटिव सेक्शंस होते हैं एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से उधर से पीछे से आता है पॉइंट चार्जे से, नहीं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कैपेसिटर पोटेंशियल और गॉसेस थ्योरम, क्योंकि गॉसेस थ्योरम है तो आगे का जर्नी है ना संभव है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सबको शुभ रात्रि।